ये है असली ब्लॉग, एक बार देखें मजा आएगा। कुछ अपनों ने ही दिल तोड़ा बहुत, आप ही इस छोटे यूट्यूबर को बड़ा बना सकते हैं। ये आज तड़कती भड़कती गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, सो लेट्स गो। Feels unable to describe Kullu in words. So today, with the blessing of the god goddesses of the valley, let's do it with psychedelic. तब बद्री जी, आपका अभी तक का ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ बहुत अच्छा भी रहा तो कुछ बहुत बुरा समय भी आया बीच में। तो जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, अजित नाग जी देवता हमारे गांव के, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कृपा से बहुत अच्छा रहा मेरा ब्लॉग। के बाद मैंने कुछ ब्लॉग बनाए थे, अच्छे अच्छे ब्लॉग थे, थोड़ा उतना ब्लॉग एडिट करना भी नहीं आता था तो थोड़ा खराब ही रहा। तो कुछ अपनों ने ही दिल तोड़ा बहुत, लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। अपनों ने कईयों ने बहुत ही दिल तोड़ दिया मेरा कि इसको प्रमोट मत करो, इस भाई हो आप, जनता हो, जनता जनार्दन होती है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। दिल टूटा था उसके बाद एक दिन ज़्यादा, और आपको बेस्ट देने के लिए मैं इतनी दूर और इतनी मेहनत से आया हूँ। भाई वो बहुत मेहनत की इस ब्लॉग में, इसको तो एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, जितना हो सके आप ही इस छोटे यूट्यूबर को बड़ा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम चल रहे, ध्यान देखो, किसी ने फ्रूटी तो पी ली है पर हमारे इस प्राकृतिक सौंदर्य में फेंक दी है। भाइयों आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, ऐसा ना करे, हमारे देश की सुंदरता को बनाए रखे, इसलिए हम इसको उठाएंगे, जो भी हमारी गंदगी दिखेगी हम अपने बैग में कैरी करते हुए चलेंगे। बहुत ही खतरनाक सफर, मेरे जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत पल और खूबसूरत ब्लॉग। तो हम रास्ता भटक चुके थे बहुत ही मेहनत के बाद, मारको कि हमने सोचा गलती से कि ये पहाड़ जो सामने वाला देख सकते हैं कि ये है ग्लेशियर, आप देख सकते हैं हम ऊपर पहुंच चुके थे। तो बहुत ही मुश्किल के बाद मारको पता लगा कि ट्रैक बहुत दूर है अभी, और मारको अपना तीर फिर चुका है, तो अब हम तीर राम जी के तीर के रास्ते जाएंगे। बोलो जय श्री राम। तो आगे कुछ हमारे को ट्रैकर दिख रहे हैं। Are they waiting for a sign to light up? Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. इस चोटी पे पहुंचे हैं। नीचे तो कितनी गहरी खाई। और इधर देखो। लगभग लगभग आधा ट्रैक बचता अभी हमारा। ओ वाओ। वाह। भगवान ने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है। महर्षि वेद व्यास जी, उनके नाम से ही ये नाम पड़ा व्यास कुंड। तो मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिस भी टीम ने सराहनीय कार्य किया, बहुत ही अच्छा कार्य। आप देख सकते हैं आप सभी की कितनी मेहनत लगी होगी इतने पत्थर इकट्ठा करने को, फिर इतनी तीर बनाने को, और इतने नीचे से इतने दूर से 5-6 घंटे का ट्रैक है, कम से कम इतने ट्रैक में उन्होंने बड़ी मेहनत से ट्रैक बनाया। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन तीर की वजह से हमारे को बहुत ही सरलता हो रही है अपने ट्रैक में, नहीं थे हमारे को तो 2-3 दिन लग जाते इस ट्रैक में, और हम इस ट्रैक को अपना 6-7 घंटे में पूरा कर सकते हैं इस तीर के निशान की वजह से। बहुत ही धन्यवाद आप सभी का जिसने भी ये कार्य किया है। यहाँ से बहुत सी खूबसूरत नज़ारा पहुँचने वाले, इतनी खुशी हो रही है क्या बताऊँ मैं आपको। मुझे एक वाटरफॉल दिख रहा पर है, इन सब को मिलके एक व्यास नदी बनती है, इन सब छोटी छोटी सहायक नदियों को मिलके एक व्यास नदी पूरी बहुत बड़ी नदी मिलती है। हमने बहुत ही चढ़ाई चढ़ी है अभी तक, बहुत ही पत्थर वाले रास्ते चढ़े, बहुत सारी मुश्किलें। यहाँ कितनी खुशी हो रही है अब की मजा रहा चलने का,
हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। तो आप देख चुके हैं हमारे सामने प्रकृति का सौंदर्य, बहुत ही खूबसूरत, और हम बर्फ पहुंच चुके हैं। अब हमारे हाथ भी सुन हो रहे हैं, तो जल्दी से ट्रैक को पूरा करेंगे। इनको भी बहुत मजा आया होगा, बहुत मजा आया। थोड़ा सा ही रहा हमारा ट्रैक, तो देख सकते हो आप सामने व्यास माता का उद्गम स्थल। बस आपको दिखाएंगे व्यास माता का उद्गम स्थल, और पीछे देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर। और देखो इस पहाड़ से भी, बहुत सारे पहाड़ों से पीछे से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें, मन भी आएगा, आपका मन भी करेगा ऐसी प्राकृतिक सुंदरता को देखने का, और आप चले आएंगे हमारी तरह। जय माता व्यास कुंडली। तो हम पहुँच चुके हैं अपने व्यास कुंड के पास, मेहनत और बहुत ही कठिनाइयों के बाद। तो Lord Mahadev, this is my kind of Kulu. तो आप सभी को जय श्री राम, जय माता व्यास कुंडली। तो हम पहुंच चुके हैं अपने ड्रीम के पास, और हाथ हो गए हैं बिल्कुल सुन। तो आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत प्राकृतिक सौंदर्य, हमने जैसा सोचा नहीं था उससे हमारे को लाख गुना, अगर हम यहाँ नहीं आते तो हम मिस कर देते। मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, होप आप सभी को भी ये ट्रैक बहुत ही पसंद आएगा। और ये हमारा व्यास नदी का उद्गम स्थल है, तो यहाँ से हमारी व्यास नदी निकलती है। तो आप, आपको भी बहुत ही अच्छा ट्रैक लगेगा, ब्यूटीफुल ट्रैक लगेगा। पानी में डाल दिए मैंने हाथ, तो भाइयों ऐसी गलती ना करें। बदरी यूट्यूबर जय हो। निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांधकाय त्रिकार्तिकाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। हर हर गंगे। तो बहुत ही आनंद आया हमारे को, तो होप आप सभी को भी बहुत मज़ा आएगा। कृपया इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये है असली ब्लॉग, एक बार देखें मज़ा आएगा। हेलो,
मित्रगण हमारे। तो होप आप सभी को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूले। बहुत मेहनत लगी हमारी इसमें। कमेंट से हमें पता लगता रहता है कि आपको ये ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, इसलिए कमेंट करना ना भूले और जरूर कमेंट करें, लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। मिलियन में व्यूज आने चाहिए इसमें, तो नेक्स्ट ब्लॉग हम इससे भी ज्यादा खूबसूरत आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारी टीम है, छोटी सी टीम। सबसे आगे भाग रहा है, आते ही होते सबसे पीछे था, इसकी वजह से हमारा एक घंटा एक्स्ट्रा लगा। अब ये आगे आगे भाग रहा है, वो आगे आगे भाग रहा है। तू आते हो तू सबसे पीछे भाग रहा था। अब तो तू रेगुलर जा रहा है। ये देखो मेरा दो के बाद दो इतनी मार को ट्रैक रहा था, दो घंटे लगा दी मारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है, तो समय हमारे वहाँ कम है और ट्रैक हमारा 4 घंटे का है लगभग, वापसी का आने को तो 6 घंटे, जाने को 4 घंटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत की हमने। थैंक यू, हर हर महादेव।